अतीक अहमद के फाइनेंसर नफीस बिरयानी की हुई हार्ट अटैक से मौत। उमेश पाल मर्डर में था आरोपी। जी हां, माफिया अतीक अहमद के करीबी नफीस बिरयानी की हार्ट अटैक पड़ने के चलते मौत हो गई है। रविवार की शाम को नैनी सेंट्रल जेल में तबीयत बिगड़ने पर स्वरूप रानी अस्पताल के कार्डियोलॉजी विभाग के आईसीयू में नफीस बिरयानी को भर्ती कराया गया था। देर रात इलाज के दौरान नफीस बिरयानी की मौत हो गई। पुलिस ने नफीस बिरयानी के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पंचायतनामा के बाद पोस्टमार्टम की कार्यवाही होगी। देर शाम तक पोस्टमार्टम होने के बाद अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को शव सौंप दिया जाएगा। आपको बता दें कि नफीस बिरयानी को 22 नवंबर को पुलिस मुठभेड़ में नवाबगंज के आनापुर से गिरफ्तार किया गया था। मुठभेड़ में नफीस बिरयानी के पैर में गोली लगी थी। स्वरूप रानी अस्पताल में 9 दिसंबर तक नफीस बिरयानी का इलाज चला था। इलाज के बाद स्वस्थ होने पर नफीस बिरयानी को नैनी सेंट्रल जेल भेजा गया था। देर रात करीब 1 बजे हुई मौत। जी हां, रविवार को जेल में नफीस बिरयानी की तबीयत बिगड़ी तो उसे जेल अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन बीपी लो होने के साथ ही सांस लेने में अधिक दिक्कत थी, जिसके चलते रात करीब 11 बजे नफीस बिरयानी को स्वरूप रानी अस्पताल में लाया गया, जहां देर रात करीब 1 बजे इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर एसपी सिंह ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया गया है। आपको बता दें कि नफीस बिरयानी मूलतः प्रयागराज के पुराने शहर बैंगन टोला इलाके का रहने वाला था। माफिया अतीक के भाई अशरफ के साथ नफीस बिरयानी ने पढ़ाई की थी, जिसके चलते नफीस और अशरफ में नजदीकी थी। नफीस बिरयानी आर्थिक तंगी से गुजर रहा था, इसी बीच दोनों ने साथ मिलकर काम भी किया था। माफिया अतीक के भाई अशरफ का साथ मिलते ही नफीस बिरयानी का इट ऑन रेस्टोरेंट चल निकला। देखते ही देखते नफीस बिरयानी का कारोबार इतना बढ़ा कि वो प्रॉपर्टी के कारोबार में भी शामिल हो गया। धीरे धीरे वो माफिया अतीक का मुख्य फाइनेंसर बन गया। माफिया अतीक अहमद के जेल में होने के चलते वो उसकी जमीन के कारोबार को भी संभालने लगा। उमेश पाल हत्याकांड में नफीस की कार का हुआ था इस्तेमाल। जी हां, 24 फरवरी 2023 की शाम करीब 5 बजे जब उमेश पाल और उसके दो सरकारी गनर पर जानलेवा हमला हुआ तो उसमें नफीस बिरयानी की क्रेटा कार का इस्तेमाल हुआ। नफीस बिरयानी की क्रेटा कार से ही माफिया अतीक के बेटे असद ने निकलकर उमेश पाल पर ताबड़तोड़ फायरिंग की थी। हत्याकांड के बाद क्रेटा कार को पुलिस ने अतीक के घर के बाहर से बरामद किया था। उमेश पाल हत्याकांड में जांच के बाद पुलिस ने नफीस बिरयानी को भी आरोपी बनाया था। फरार होने के चलते नफीस की गिरफ्तारी पर पुलिस की तरफ से 50,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। आपको बता दें, हत्याकांड के बाद क्रेटा कार को पुलिस ने अतीक के घर के बाहर बरामद किया था और उमेश पाल हत्याकांड में जांच के बाद पुलिस ने नफीस बिरयानी को भी आरोपी बनाया था। फरार होने के चलते नफीस की गिरफ्तारी पर पुलिस की तरफ से 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। बीते 22 नवंबर को पुलिस ने मुठभेड़ में नफीस बिरयानी को नवाबगंज से गिरफ्तार किया था। साथ साथ ही आपको ये भी बता दें कि उमेश पाल हत्याकांड में अतीक अहमद का नाम सामने आया था। अतीक अहमद और अशरफ अहमद पर उमेश पाल की हत्या की साजिश रचने का आरोप लगा था। उमेश पाल की हत्या के अगले दिन उनकी पत्नी जयापाल ने अतीक अहमद, अशरफ अहमद, शाइस्ता असद के साथ ही शूटर अरमान, गुलाम, गुड्डू, मुस्लिम और साबिर के खिलाफ केस दर्ज किया था। इनमें से अतीक और अशरफ समेत 6 आरोपी मारे जा चुके हैं। शाइस्ता और गुड्डू मुस्लिम समेत 3 आरोपी अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। देश दुनिया की ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें समय डिजिटल।